नमस्कार दोस्तों, बाय स्टडी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धर्म चौधरी आज आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के बारे में बताऊंगा। आज तक हमने 3 क्लासें हम पढ़ चुके हैं, आज हमारी 4th क्लास है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, हमने जो लास्ट 3 क्लासों में पढ़ा कि प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उसके बाद अपराध के क्या कारण हैं, अपराध के क्या प्रकार हैं, संविधान में महिलाओं की क्या स्थिति थी, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, राज्य महिला आयोग क्या है, राष्ट्रीय महिला नीति कब बनी, राजस्थान महिला नीति कब बनी, महिलाओं को संविधान में क्या क्या अधिकार प्राप्त थे। आज हम पढ़ेंगे कि अपराध के कौन कौन से रूप होते हैं। अपराध के रूप, अपराध के रूप, अपराध के रूप को मैंने 7 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा, उसके बाद पढ़ेंगे कन्या भ्रूण हत्या, उसके बाद पढ़ेंगे अपहरण, उसके बाद पढ़ेंगे अनैतिक व्यापार, उसके बाद पढ़ेंगे यौन उत्पीड़न, उसके बाद पढ़ेंगे अश्लील हरकत, उसके बाद पढ़ेंगे साइबर अपराध। तो मैंने अपराध को जो अपराध के जो रूप हैं उनको 7 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले पढ़ेंगे घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा में भी मेन है दहेज। दहेज सबसे पहले घरेलू हिंसा, उसके बाद पढ़ेंगे कन्या भ्रूण हत्या, अपहरण, अनैतिक व्यापार, यौन उत्पीड़न, अश्लील हरकत और साइबर अपराध। तो पहला पॉइंट घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा को भी मैंने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। घरेलू हिंसा में सबसे पहले शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक या भावनात्मक हिंसा, और आर्थिक हिंसा।
आर्थिक हिंसा। तो घरेलू हिंसा को चार भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले शारीरिक हिंसा, जब किसी घर में किसी महिला के साथ मारपीट की जाए, महिला को ठोकर मारा जाए या महिला के शरीर को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाए, तो किस हिंसा में आएगा? शारीरिक हिंसा। लैंगिक हिंसा, जब किसी के साथ यौन उत्पीड़न हो, वो लैंगिक हिंसा में आएगा। मौखिक या भावात्मक हिंसा, जब किसी महिला को मुंह से गाली देना, महिला के चरित्र पर लांछन लगाना, ये सारे किसमें आएंगे? मौखिक या भावात्मक हिंसा में। अगला था आर्थिक हिंसा, जब किसी महिला को जो उसकी जरूरतों की सब आवश्यकताएं जो उसकी हैं उसको पूर्ति न करना, महिलाओं को पैसे न देना, ये सब किसमें आएंगे? आर्थिक हिंसा में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में पहला पॉइंट रहेगा दहेज। दहेज, तो दहेज में सबसे पहले दहेज के कारण दहेज लेने के क्या क्या कारण हैं? सबसे पहले गरीबी, गरीबी, उत्तराधिकारी नियम, उत्तराधिकारी नियम, अशिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, और ये सारे क्या हैं? आर्थिक असक्षमता। तो दहेज के मेन कारण क्या है? एक, दहेज लेने के मेन कारण है गरीबी, दूसरा है उत्तराधिकारी नियम, तीसरा है अशिक्षा, और चौथा है सामाजिक प्रतिष्ठा, और पांचवा है आर्थिक असक्षमता। तो दहेज के मेन कारण हो गए गरीबी, उत्तराधिकारी नियम, अशिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक असक्षमता। अब हम देखेंगे कि दहेज के क्या दुष्परिणाम हैं, दहेज के क्या दुष्परिणाम हैं। दुष्परिणाम, दहेज से होने वाले क्या क्या दुष्परिणाम हैं? पहला, ऋणग्रस्तता, ऋणग्रस्तता, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, बेमेल विवाह, बेमेल विवाह, परिवारों का टूटना, परिवारों का टूटना, ऋणग्रस्तता, परिवारों का, महिलाओं पर अत्याचार, बेमेल विवाह, परिवारों का टूटना, आत्महत्या, आत्महत्या करना और अविवाहित जीवन।
अविवाहित जीवन। तो दहेज से क्या क्या दुष्परिणाम है, दहेज से होने वाले दुष्परिणाम की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले ऋणग्रस्तता, व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ जाता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, बेमेल विवाह होता है, परिवार टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, और दूसरा अविवाहित जीवन। तो ये क्या थे इसके दुष्परिणाम। अब दहेज खत्म करने के क्या क्या सुझाव हैं, सबसे बाद में देखेंगे सुझाव। सुझाव, दहेज रोकने के सुझाव, क्या क्या सुझाव। पहला, स्त्री शिक्षा पर जोर देना। स्त्री शिक्षा पर जोर देना, स्त्री शिक्षा पर जोर देना, जीवन साथी के स्वतंत्र, जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता, जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता, प्रेम विवाह युवा आंदोलन दहेज कानून को अधिक कठोर बनाना, दहेज कानून को और अधिक कठोर बनाना। तो ये सारे क्या है सुझाव, स्त्री शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए या स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दी जाए। दूसरा, जीवन साथी को चुनने की व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, युवा आंदोलन होना चाहिए, प्रेम विवाह ये भी एक दहेज रोकने का सुझाव है। अगला है दहेज कानून को और अधिक कठोर बनाना। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सुझाव हैं दहेज रोकने के। तो सबसे पहले दहेज के क्या कारण हैं, कारण में देखें तो सबसे पहले गरीबी, उसके बाद उत्तराधिकारी नियम, अशिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक असक्षमता। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, ऋणग्रस्तता, व्यक्ति के ऊपर ऋण का भार हो जाता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, बेमेल विवाह, परिवारों का टूटना, आत्महत्या करना और अविवाहित जीवन। उसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या सुझाव, स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देना, जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता, प्रेम विवाह, युवा आंदोलन और दहेज कानून को और अधिक मजबूत बनाना। अगला एक नोट लिखते हैं, नोट, राजस्थान सरकार ने 2013 में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न, महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न व महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न व दहेज मामलों को जल्दी सुनवाई के लिए
सुनवाई के लिए दहेज मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए 5 अपर न्यायालयों का गठन किया है। 5 अपर न्यायालयों का गठन किया है। 5 अपर न्यायालयों का गठन किया तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न व दहेज के मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए राजस्थान सरकार ने 2013 में 5 नए अपर न्यायालयों का गठन किया है। और ये 5 हैं अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न व दहेज मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए 5 न्यायालयों का गठन किया है। कहां-कहां का? अजमेर, दूसरा भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। कब किया है? 2013। कब किया है? 2013। क्यों किया है? महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न व दहेज मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए राजस्थान सरकार ने 2013 में 5 नए न्यायालयों का गठन किया है। अब हम पढ़ेंगे आईपीसी की धाराएं। अगर दहेज हत्या के लिए अगर कोई व्यक्ति की आत्महत्या, किसी लेडी ने आत्महत्या कर ली, तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से कानून, कौन कौन सी धाराएं हैं, इसके अलावा कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं दहेज रोकने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 304B। आईपीसी की धारा 304B, दहेज हत्या। दहेज हत्या, यदि किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 वर्ष के अंदर हो जाए किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 वर्ष के अंदर हो जाए सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर, ये मान लो कोई महिला बीमार होकर मर गई, वो दहेज हत्या में नहीं आएगा। हाँ, महिला को किसी प्रकार से चोट पहुंचाई जाए या चोट पहुंचा के उसको नुकसान पहुंचाया जाए या उसकी हत्या कर दी जाए, ये सारे किस्म आएंगे धारा 304B। क्या होगा? दहेज हत्या। तो इसके लिए सजा का जो प्रावधान है, सजा 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, 304B दहेज के कारण होती है तो आईपीसी की धारा 304B कहती है कि उस व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी। उसके बाद आईपीसी की धारा नेक्स्ट देखते हैं, आईपीसी की धारा 306। आईपीसी की धारा 306, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना,
आप किसी व्यक्ति को या स्त्री को, मानव को मान लो, आप किसी भी मानव को अगर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं तो धारा कौन सी लगेगी? 306। आप किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी मानसिक उत्पीड़न या ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं दे सकते जिससे व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए या आप उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाएं, तो धारा 306। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। तो आप किसी को भी आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, किसी को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगली जो हमारी धारा है वह है आईपीसी की धारा 309, आत्महत्या का प्रयास करना, आत्महत्या का प्रयास करना। आत्महत्या का प्रयास करना, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर धारा 309 लगेगी। और इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, सजा 1 वर्ष, सजा क्या होगी? 1 वर्ष। ये मान लो कोई स्त्री कुएं की तरफ भागी जा रही है, वो वहां जाके मुझे आत्महत्या करनी है, लेकिन आप उसको रास्ते में ही रोक लेते हो, वो स्त्री कुएं पर नहीं पहुंच पाई, तो आत्महत्या का प्रयास नहीं माना जाएगा। हाँ, यदि वह स्त्री कुएं पर पहुंच गई और कुएं में छलांग लगाने से पहले उस लेडीज को पकड़ लिया जाता है, रोक लिया जाता है, तो क्या होगा? आत्महत्या का प्रयास। तो इसमें सजा का प्रावधान क्या है? इसमें जो सजा का जो प्रावधान दे रखा है, सजा का प्रावधान है 1 वर्ष। अगली जो आईपीसी की धारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 326A। आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 326A, अमल या एसिड, तेजाब, अमल, एसिड या तेजाब डालकर किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाना या किसी के शरीर को क्षति पहुंचाना, अमल या एसिड या तेजाब डालकर किसी व्यक्ति के शरीर को क्षति पहुंचाना, अमल या तेजाब या कोई ऐसा पदार्थ जिससे शरीर जल जाए या शरीर को नुकसान हो जाए, अगर ऐसा किसी के ऊपर अगर तेजाब डालकर या एसिड डालकर किसी के शरीर को नष्ट किया जाए, शरीर को जला दिया जाए, तो कौन सी धारा लगेगी? 326A। जैसे आपने अभी जो मूवी आई थी छप्पाक, उसमें देखा होगा लड़की लक्ष्मी अग्रवाल, उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसका चेहरा क्या बना दिया? क्रूप बना दिया। अगर किसी के चेहरे पर अगर तुम तेजाब डालते हो या उसके किसी शरीर का ऐसा कोई भी भाग जहां तेजाब डाल दिया, शरीर क्या हो गया? शरीर को क्षति हो गई, तो कौन सी धारा लगेगी? 326A। और इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, सजा, सजा होगी 10 वर्ष से लेकर
आजीवन कारावास, आजीवन कारावास 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। तो हमने पढ़ा 304 बी दहेज हत्या, उसके बाद 306 किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, उसके बाद 309 कोई किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना, उसके बाद पढ़ा 326 ए तेजाब डालकर किसी के शरीर को क्षति पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। उसके बाद जो अगली हमारी आईपीसी की धारा होगी, आईपीसी की धारा 326 बी, आईपीसी की धारा 326 बी, अमल फेंकना या डालने का प्रयास करना, अमल हुई एसिड तेजाब डालने का प्रयास करना या फेंकना या फेंकना। ये मानो कि आप कोई स्त्री जा रही है, कोई पुरुष कोई भी हो, जैसे वो जा रहा है आपने उसके ऊपर तेजाब डालने की कोशिश की, आपने उसके ऊपर तेजाब फेंका, तेजाब उस व्यक्ति पर डला नहीं, साइड में गिर गया जिससे यह व्यक्ति बच गया, या आप किसी व्यक्ति की तरफ बोतल लेकर भाग रहे हो तेजाब डालने के लिए और कोई व्यक्ति ने आपको पकड़ लिया, कहने का आपने प्रयास किया या उसके ऊपर फेंका, तो कौन सी धारा का उल्लंघन है? आईपीसी की धारा 326 बी, और इसमें जो सजा का जो प्रावधान किया गया है, सजा 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, इसमें सजा का प्रावधान क्या है? 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, 326 ए आपने तेजाब डालकर शरीर को नुकसान पहुंचा दिया, 326 बी आपने तेजाब डालने का प्रयास किया या तेजाब उसके ऊपर फेंका, तो धारा कौन सी लगेगी? 326 बी। उसमें सजा का प्रावधान 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है, इसमें जो सजा का प्रावधान है 5 साल से लेकर 7 साल तक। अगली जो धारा हम पढ़ेंगे वो धारा होगी आईपीसी की धारा 406, आईपीसी की धारा 406, आईपीसी की धारा 406, यदि किसी स्त्री द्वारा, यदि किसी स्त्री द्वारा उसका स्त्री धन वापिस मांगा जाए और उसको देने से मना किया जाए, और उसको देने से मना किया जाए यदि किसी स्त्री द्वारा उसका स्त्री धन मांगा गया हो। ये मान लो कोई लड़की अपने गांव से शादी के बाद अपने गांव से जेवर लेके आती है, उसने जेवर अपनी सास को दे दिए या अपने पति को दे दिए, बाद में वो लेडीज कहती है मुझे मेरे जेवर दो, में पहनना मुझे पहनना है, और या तो उसको देने से मना कर दे कि हमारे पास कोई जेवर नहीं है, जेवर चोरी हो गए, तो कौन सी धारा का उल्लंघन है? 406। मानो किसी भी स्त्री का जो उसका स्त्री धन है अगर वो लेके आई है और आपके पास रख दिया और आपने उसको देने से मना कर दिया, तो किसका उल्लंघन है? आईपीसी की धारा 406।
इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान 3 वर्ष, इसमें सजा का प्रावधान क्या होगा 3 वर्ष। अगली जो हम आईपीसी की धारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 493 से लेकर 498 ए तक। अगली धारा आईपीसी की धारा 493, आईपीसी की धारा 493, किसी स्त्री को विधि पूर्वक विवाह का वचन देकर, वचन देकर उसके साथ सहवास करना, धारा 493 में क्या है कि आपने किसी स्त्री को यह कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, शादी का आपने वचन दे दिया, उसके बाद उस स्त्री के साथ या उस विश्वास उसके साथ सहवास करते हो, तो किस धारा का उल्लंघन है 493। और 493 धारा में जो सजा का जो प्रावधान है, सजा का जो प्रावधान किया गया है 10 साल, सजा होगी 10 वर्ष। तो आप किसी को भी झूठा शादी का सपना नहीं दिखा सकते या शादी का सपना दिखाकर उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करोगे तो धारा 493 का उल्लंघन होगा और आप कितनी सजा के हकदार होंगे, 10 साल सजा के हकदार होंगे। अगली जो आईपीसी की धारा है वो है 494, धारा 494, स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, ये मान लो किसी पत्नी का पति जिंदा है या किसी पत्नी का पति जिंदा है, पति की पत्नी जिंदा है या पति की, सॉरी, किसी पत्नी का पति जिंदा है या पति की पत्नी जिंदा है और इस दौरान वो दूसरी शादी कर लेते हैं बिना किसी तलाक के, तो इसमें जो सजा का जो प्रावधान किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है 7 वर्ष। तो आपकी पति या पत्नी जिंदा है तो आप जब तक तलाक नहीं हो तब तक किसी भी हालात में दोबारा शादी नहीं कर सकते। पति पत्नी जिंदा रहते हुए व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगली जो धारा है वह है 495, धारा 495 क्या कहती है, पूर्व पहले के विवाह को छिपाकर दोबारा विवाह करना, पूर्व के विवाह को छिपाकर, पूर्व विवाह को छिपाकर दोबारा विवाह करना, पहले के विवाह को छिपा कर, ये मान लो किसी व्यक्ति की पहले शादी हो रही है
और आप किसी लड़की को जाकर हो मैं तो अनमैरिड हूँ और पहले के विवाह को छिपाकर आपने दोबारा शादी कर ली, तो सजा का प्रावधान क्या है? 10 साल। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वह है 10 वर्ष। तो धारा 495 में क्या कहती है, आप किसी भी प्रकार से पहले के विवाह को छिपाकर दोबारा से विवाह नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा 496 में, विधि पूर्वक विवाह के बिना, विधि पूर्वक विवाह के बिना कपट पूर्वक शादी करना, कपट पूर्वक शादी करना आप किसी स्त्री के साथ विधि पूर्वक, रीति रिवाज, विधि पूर्वक या कोई विवाह जिससे विधि पूर्वक कानून के अनुसार विवाह के अलावा कोई भी छल या कपट से शादी करते हो तो आप क्या होंगे? अपराधी। किस सेक्शन के? धारा 496 में। और इसमें जो सजा का जो प्रावधान दे रखा है वो सजा का प्रावधान है 7 साल। सजा कितनी होगी? 7 वर्ष। तो आप किसी भी हालात में कपट पूर्वक विवाह नहीं कर सकते। अगली जो हमारी सेक्शन है वह आईपीसी की धारा 497 जिसको बोलते हैं जारता या जार कर्म। आप किसी भी हालात या किसी भी स्थिति में जारता नहीं कर सकते। जारता क्या होती है? मुझे पता है वो स्त्री मेरी पत्नी नहीं है, उसके बाद उसके साथ मैं कुछ गलत करूं तो ये क्या होगा? जारता। व्यक्ति को पता होते हुए कि वह स्त्री मेरी पत्नी नहीं है, उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा उस स्त्री के साथ गलत किया जाए तो क्या होगी? जारता। लेकिन अब क्या हो गया, कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में रह सकता, शादी नहीं कर सकते, रिलेशन में रह सकते हैं। ये मानो कि ए पति है, बी पत्नी है और सी अन्य व्यक्ति है, तो यह स्त्री इस व्यक्ति के साथ रिलेशन में रह सकती है। यह स्त्री इस व्यक्ति के साथ रिलेशन में रह सकती है लेकिन शादी नहीं कर सकती, लेकिन शादी नहीं कर सकती। तो इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान है 5 वर्ष। 5 वर्ष सजा का प्रावधान क्या होगा? 5 वर्ष। अगली जो हमारी सेक्शन होगी आईपीसी की धारा 498, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से बहलाकर ले जाना या भगा ले जाना या ले आना, विवाहिता स्त्री को आपराधिक आश से बहलाकर ले जाना ले जाना
या ले आना या रोक के रखना। आप किसी भी विवाहित स्त्री को कोई भी अपराधी का आश्रय से उसको बहलाकर या तो ले आते हो या ले जाते हो या उसको रोक के रखते हो तो ये क्या होगा, धारा 498 का उल्लंघन होगा। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, इसमें जो सजा दी गई है, सजा दे रखी है 2 वर्ष। सजा क्या दे रखी है, 2 वर्ष। तो धारा 498 में सजा का प्रावधान क्या है, 2 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या है, 2 वर्ष। अगली जो हम सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धारा 498 ए। धारा 498 ए, इसमें क्या है, स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा या पति के रिश्तेदार द्वारा स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा किसी महिला के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ या पति का कोई भी रिश्तेदार किसी भी प्रकार से महिला के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। देखो, क्रूरता 2 प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक दूसरी होती है मानसिक। शारीरिक में क्या होता है, किसी भी प्रकार से महिला को शरीर को नुकसान पहुंचाना, महिला को पीटना, महिला को ठोकर मारना, ये सारे क्या होंगे, किसी भी प्रकार से शरीर को क्षति पहुंचाना। और मानसिक में क्या होगा, महिला को मानसिक उत्पीड़न देना, महिला से दहेज मांगना, महिला को बदसूरत कहना, महिला के चरित्र पर लांछन लगाना, महिला को गाली देना, ये सारे क्या होंगे, मानसिक। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, घर में क्रूरता होती है, तो इसके लिए जो सजा का जो प्रावधान किया गया है, इसमें जो सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है 3 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या है, 3 वर्ष। तो ये हमारा था घरेलू हिंसा, जिसमें आज हमने जो धाराएं पढ़ी, सबसे पहले 304 बी। 304 बी में है कि दहेज हत्या, अगर कोई व्यक्ति दहेज हत्या करता है तो उसके लिए सजा 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक है। उसके बाद हमने पढ़ी धारा 306, किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, सजा का प्रावधान 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। उसके बाद में हमने पढ़ा आत्महत्या का प्रयास करना, किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना, सजा होगी 1 वर्ष तक। उसके बाद 326 से तेजाब डालकर किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाना, सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास। उसके बाद 326 बी, तेजाब डालने का प्रयास करें या तेजाब फेंकना, सजा 5 से 7 वर्ष। उसके बाद पढ़ा कि 406, किसी स्त्री का स्त्री धन मांगने पर वापिस न देना, सजा का प्रावधान 3 वर्ष। उसके बाद पढ़ा 493, किसी को विधि पूर्वक विवाह का वचन देकर उसके साथ सहवास करना, सजा का प्रावधान 10 वर्ष। उसके बाद पढ़ा 494, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, सजा का प्रावधान है 7 वर्ष। उसके बाद पढ़ा 495, पहले के विवाह को छिपाकर दोबारा विवाह करना, सजा होगी 10 साल। उसके बाद पढ़ा 496, विधि पूर्वक विवाह के अलावा कपट पूर्वक विवाह करना, सजा का प्रावधान होगा 7 वर्ष। उसके बाद 497 पढ़ी हमें जारता या जारक्रम, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ गलत काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, जारता, सजा का प्रावधान है 5 वर्ष। 498 में पढ़ा किसी विवाहित स्त्री को अपराधिक आश से बहलाकर ले जाना, ले आना या रोके रखना, इसमें जो सजा का प्रावधान है 2 वर्ष।
498 ए में पढ़ा कि किसी भी घर में महिला के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना है तो पति या पति के रिश्तेदार द्वारा। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 3 वर्ष है। क्रूरता 2 प्रकार से होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक होती है जो किसी को शरीर को नुकसान पहुंचाया जाए, मानसिक होती है कि उसको मानसिक तौर पर उत्पीड़न उसका किया जाए। तो ये आज हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे दहेज के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, सती प्रथा रोकने के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, और जो घरेलू हिंसा है उसके लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए। तो सबसे पहले देखेंगे दहेज दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। तो पहला अधिनियम पढ़ेंगे दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। यह अधिनियम 26 जून 1961 को पारित हुआ। यह अधिनियम 26 जून 1961 को पारित हुआ तथा 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। तो दहेज प्रतिबंध विधेयक कब बना, कब पारित हुआ? 26 जून 1961 को। लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 से। अब दहेज लेना व देना कानूनी अपराध है। दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध। जब यह अधिनियम लागू हुआ उस समय जो इसमें सजा का जो प्रावधान था, सजा का प्रावधान था 5 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या था? 5 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या था? 5 वर्ष। उसके बाद में इस अधिनियम में संशोधन हुआ तथा 1984 में और दूसरा संशोधन हुआ 1986। 1984 दूसरा संशोधन 1986। 1984 में जो सजा का जो प्रावधान किया गया वो 6 वर्ष किया गया तथा 1986 से जो सजा का जो प्रावधान है वो कितना है? 10 वर्ष। तो 1986 से सजा का प्रावधान कितना किया गया है? 10 वर्ष। इस अधिनियम के तहत एक दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब बना? दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। ये पारित हुआ 26 जून 1961 को। लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। दहेज लेना व देना कानूनी अपराध है। जब स्टार्टिंग में इसमें सजा का जो प्रावधान था वो 5 वर्ष था। उसके बाद में इस विधेयक में 1984 और 1986 में संशोधन हुआ। 1984 में जो सजा दी गई वो 6 वर्ष थी और 1986 में सजा का प्रावधान क्या है? 10 वर्ष। और इस अधिनियम के तहत एक दहेज प्रतिबंध अधिनियम सॉरी दहेज प्रति दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। अगला जो हम एक्ट पढ़ेंगे वो होगा सती प्रथा
सती रोकथाम, सती रोकथाम अधिनियम सती रोकथाम अधिनियम 1987। अगला जो हमारा एक्ट होगा वो होगा सती रोकथाम अधिनियम 1987। ठीक है, इस एक्ट में क्या कहा गया, किसी भी स्त्री को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी स्त्री को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी स्त्री को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सती क्या होता है, जब कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ चिता पर जला दी जाती है, चिता पर उसके साथ बैठकर सती हो जाती है। तो कोई भी स्त्री जब उसका पति मर जाता है उसके बाद उसके डेड बॉडी के साथ चिता पर बैठा दिया, चिता पर उसको जला दी जाती है, तो क्या कहते हैं, सती। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु या किसी व्यक्ति की मृत्यु अन्य कहीं स्थान पर हो जाए, और स्त्री उसके किसी निशानी के साथ सती हो, यह मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु कहीं और हो गई और स्त्री उसके किसी निशानी के साथ सती हो तो उसे अनुमरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुमरण। यह मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु कहीं दूर हो गई और डेड बॉडी को वहीं दफना दिया गया, अब यहां पर स्त्री उसे किसी निशाने के साथ सती होती है तो उसको क्या कहते हैं, अनुमरण कहते हैं। तो सती प्रथा रोकने का सबसे पहले प्रयास पहले प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया, तो सबसे पहले सती प्रथा रोकने का सबसे पहले प्रयास सती प्रथा रोकने का सबसे जो पहले प्रयास था वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में सबसे पहले जो सती प्रथा को रोक सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई राजस्थान में सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई वो 1822 में बूंदी रियासत ने लगाई, तो राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले जो सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो बूंदी रियासत ने 1822 में लगाई तथा भारत में सती प्रथा पर जो रोक लगाई भारत की बात करें
तो राजा मोहन राय, राजा मोहन राय के प्रयास से 4 दिसंबर 1829 में उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे सर विलियम बेंटिक, तो भारत में सबसे पहले जो सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो राजा मोहन राय के द्वारा, राजा मोहन राय के प्रयास से 4 दिसंबर 1829 में सर विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई। और राजस्थान में 1987 में सीकर जिला श्री माधोपुर तहसील, देवराला गांव की जो महिला थी रूप कवर महिला सती हुई। राजस्थान में जो अंतिम मामला था वो 1987 का था, सीकर जिला की श्री माधोपुर तहसील, और श्री माधोपुर तहसील में एक गांव है देवराला की महिला थी रूप कवर, जो महिला सती हुई थी, ठीक है। और जो सती प्रथा का जो प्रचलन सबसे ज्यादा, अपन सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा का जो सबसे ज्यादा जो प्रचलन था वो राजपूत समाज में था। किस समाज में था? राजपूत समाज में। और सती प्रथा के को अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, सती प्रथा को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे समहरण, दूसरा सहगमन, इनको, इस सती प्रथा को इन नाम से भी जाने जाते। तो सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा अधिनियम कब आया? 1987। इस अधिनियम के तहत किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब स्त्री अपने पति के साथ चिता पर जलाई जाती है तो क्या होती है? सती होती है। जब पत्नी अपने पति की किसी निशानी के साथ जलाई जाती है तो क्या होता है? अनुमरण होता है। सबसे पहले सती प्रथा रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। राजस्थान की बात करें तो 1822 में बूंदी रियासत ने सबसे पहले रोक लगाई। भारत की बात करें तो राजा मोहन राय के प्रयास से 4 दिसंबर 1829 में सर विलियम बेंटिक द्वारा रोक लगाई गई। और राजस्थान में सबसे अंत में 1987 में सीकर श्री माधोपुर तहसील के गांव देवराला की रूप कवर महिला सती हुई थी। और सती प्रथा का सबसे ज्यादा जो प्रचलन था वो था राजपूत समाज में। तीसरा जो हमारा रहेगा अधिनियम वो रहेगा घरेलू हिंसा, महिला संरक्षण अधिनियम, तीसरा हमारा जो अधिनियम रहेगा घरेलू हिंसा के संबंध में वो रहेगा घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। यह अधिनियम
26 अक्टूबर 2006 से लागू है। इस अधिनियम में जो घरेलू शब्द को अधिक व्यापक बनाया गया है, इस अधिनियम में जो घरेलू शब्द है, घरेलू शब्द को अधिक व्यापक बनाया गया है। घरेलू जो शब्द है महिलाओं के साथ घरों में होने वाली हिंसा को अधिक व्यापक बनाया गया है, और इस घरेलू हिंसा के तहत इसमें चार प्रकार की हिंसा बताई गई है। कौन कौन सी? शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा और आर्थिक हिंसा। इस अधिनियम में जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। शारीरिक हिंसा, किसी महिला को थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, उसके शरीर को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना। लैंगिक जो हिंसा होती है उसमें बलात्कार, किसी को अश्लील साहित्य दिखाना या कोई अश्लील सामग्री दिखाना। मौखिक, किसी को अपमानित करना, गाली देना, उसके चरित्र पर लांछन लगाना, आत्महत्या की धमकी देना, ये सारी क्या है? मौखिक। उसके बाद आर्थिक, किसी को धन न देना, रोजगार न करने देना, घर से बाहर जाने से रोकना। किसी स्त्री को घर से बाहर जाने से रोकते हो या स्त्री को कोई काम नहीं करने देते हो या स्त्री को धन नहीं देते हो तो कौन सी हिंसा आएगी? वो हिंसा आएगी आर्थिक हिंसा। इस एक्ट के तहत जो महिलाओं को जो सुरक्षा दी गई है, इस एक्ट के तहत महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकना, घरेलू हिंसा को रोकना। दूसरा, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इस एक्ट की जो मेन विशेषता थी वो क्या थी? महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा को रोकना व महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इस अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी, एक संरक्षण अधिकारी तथा गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है, नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। इस एक्ट में कहा गया है कि एक संरक्षण, दहेज के मामलों को, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक संरक्षण अधिकारी होगा, इसके अलावा एक गैर सरकारी संगठन होगा। राजस्थान सरकार की बात करें, राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर, राजस्थान ने एक सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि प्रत्येक जिले में उतने ही संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे प्रत्येक जिले में उतने ही संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जितने की आवश्यकता हो।
तो राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि प्रत्येक जिले में उतने ही अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जितने उनकी आवश्यकता हो। तो ये घरेलू हिंसा थी, इसमें जो कार्यवाही करेगी, इसमें जो कार्यवाही की जाएगी, कार्यवाही 30 दिन के अंदर की जाएगी। कार्यवाही कितने दिन के अंदर की जाएगी? 30 दिन। और जो कार्यवाही का जो निस्तारण होगा, कार्यवाही का जो निस्तारण होगा वो 60 दिन में होगा। कार्यवाही का निस्तारण कितने दिन में होगा? 60 दिन में होगा। और महिलाओं को घरेलू हिंसा के मामले में दीवानी जो न्यायालय होते हैं, दीवानी न्यायालय उपलब्ध कराया जाएगा। दीवानी न्यायालय उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये हमारे तीन हमने जो आज अधिनियम पढ़े, सबसे पहले हमने दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 जो 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ, किसी प्रकार से दहेज लेना व देना अपराध है। स्टार्टिंग में सजा 5 थी, उसके बाद 1984 में सजा 6 साल हुई, उसके बाद 10 वर्ष सजा हो गई। उसके बाद हमने सती रोकथाम अधिनियम 1987 पढ़ा, किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले बूंदी रियासत ने रोक लगाई। भारत की बात करें तो सर विलियम बेंटिक द्वारा रोक लगाई गई। सबसे अंत में सीकर जिला की रूपकंवर महिला सती हुई थी। सती प्रथा सबसे ज्यादा राजपूत समाज में प्रचलन था, सती प्रथा का। तीसरा पड़ा हमने घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू 26 अक्टूबर 2006 से हुआ था। इसमें घरेलू शब्द को अधिक व्यापक बनाया गया। घरेलू जो हिंसा उसके 4 प्रकार बताए गए हैं, शारीरिक, लैंगिक, मौखिक और आर्थिक। इसमें घरेलू महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा को रोकना और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये हमारी आज जो अपराध की क्लास थी। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी कन्या भ्रूण हत्या। बच्चियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो अगली नेक्स्ट जो हमारी क्लास